हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पीसी पैकेज पढ़ाने वाली हूँ। तो पीसी पैकेज पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीसी पैकेज क्या होता है। पीसी पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसके थ्रू हम ऑफिस के सारे काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो काम क्या-क्या हैं? लेटर लिखना यानी डॉक्यूमेंटेशन करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैलकुलेशंस करना, डेटाबेस क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन रेडी करना, तो ये सारे टास्क किस में जाते हैं? ऑफिस के टास्क में जाते हैं। तो इनको जब हम किसी पैकेज के थ्रू आसानी से कर सकते हैं तो ये क्या कहलाता है? पीसी पैकेज। मतलब एक पैकेज में ही हमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि ये सारे टास्क हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है? ऑफिस ऑटोमेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने सारे टास्क जो हैं ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसे किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके कर रहे हैं। पहले के टाइम पर हम कैसे करते थे? किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते थे। डेटाबेस क्रिएट करना मतलब जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है, या फिर हमको कोई कैलकुलेशन करना है तो वो हम इस पे कॉपी पे करते थे, ठीक है। अगर यही टास्क हम किसी सॉफ्टवेयर का थ्रू करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर रहे हैं इसको, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑफिस ऑटोमेशन। हम लेटर लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे? या तो हम अपने हाथों से लिख लेते थे उसको, या हम टाइपराइटर का यूज करके लिखते थे। वहां पे हम चेंजेस नहीं कर पाते थे, हमको कुछ सही नहीं लग रहा है, हमसे कुछ गलती से लिख गया है तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते थे। हम अपने फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, मतलब जो हम लिख रहे हैं उसका हमको साइज बढ़ाना है या हमको उसका स्टाइल चेंज करना है, तो ये सारी चीजें हम वहां पे आसानी से नहीं कर सकते थे। हमने एक बार लिख दिया उसको तो वो लिख दिया, अब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या हो रहा है? हम वो सारे टास्क जो हैं जो हम कर रहे हैं उन पर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ऑफिस ऑटोमेशन जो है उसमें हमको कुछ टूल्स भी दिए गए हैं। वो टूल्स क्या-क्या हैं? उस पैकेज में हमको क्या-क्या टूल दिया गया है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन टूल और डेटाबेस, ये चीजें हमको उसमें दी गई हैं। अब हम इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हम कोई भी टेक्स्ट या कोई इंफॉर्मेशन को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? वर्ड प्रोसेसिंग। उस पे टास्क परफॉर्म करना क्या कहलाया? वर्ड प्रोसेसिंग। अब जब हम इसे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड मतलब शब्द, प्रोसेसिंग मतलब कुछ काम करना उसके ऊपर, और सॉफ्टवेयर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम अपने टास्क कर रहे हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं, उन वर्ड्स के ऊपर हम उनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम उनका साइज चेंज कर सकते हैं, हमें उनको कुछ कलर देना हो तो वो हम कलर दे सकते हैं, हमें प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे टास्क जो वर्ड्स पे हो रहे हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन हम एमएस वर्ड के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं लेकिन हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे? एमएस वर्ड के ऊपर पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट में रो और कॉलम्स में जो रहता है वो अरेंज रहता है, ठीक है। रो और कॉलम्स वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल, ये मैं आपको आगे जो है प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कैसा दिखता है ये, लेकिन अभी हम इसे थ्योरेटिकली समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रो और कॉलम्स में ये अरेंज रहता है, हमारी कोई भी वैल्यू रहती है हम रो और कॉलम्स के फॉर्म में उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। यहाँ पे इसका यूज क्यों होता है? जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं? स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। कैलकुलेशंस मतलब जैसे हमें कोई बैलेंस शीट रेडी करनी है, या हमें स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, या बहुत ज्यादा ऐसा डेटा है जो हमें आसानी से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ स्प्रेडशीट का यूज करके कुछ फॉर्मूलेज लगा के उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन से तो आप समझते हैं कोई भी चीज जो है हमें प्रेजेंट करनी है, हमें दूसरे तक पहुंचानी है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। यहीं पे इस प्रेजेंटेशन को हम जब किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम स्लाइड्स जो रहती हैं स्लाइड्स पे हम अपने टेक्स्ट लिखते हैं, इमेजेस लगाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है जब हम टेक्स्ट लिखेंगे इमेजेस लगाएंगे तो वो दूसरे को आसानी से समझ में आएगी, तो ये क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्लाइड्स पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ पीसी पैकेज के बारे में बता रही हूँ, तो मैं भी स्लाइड का यूज कर रही हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है, इमेज लगाई हुई है, तो ये आपको चीजें क्या होंगी, आसानी से समझ में आएंगी। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, जब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेटाबेस। तो यहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी यूज करेंगे पीसी पैकेज के अंतर्गत ही। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को किसी कॉलम या फिर हम किसी टेबल में स्टोर करके रखते हैं, टेबल का यूज करके हम उसे स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो यह कहलाएगा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बहुत सारे बल्क ऑफ रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, पहले के टाइम पे हम लोग रजिस्टर में स्टोर करते थे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उसको मैनेज करना, यहाँ पे हम जब सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं तो हमारे लिए काफी चीजें जो रहती हैं आसान हो जाती हैं। हम उनको सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं, उनको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, कुछ नई चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वे इंसर्ट कर सकते हैं, या हम कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो वो आसानी से अपडेट कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम रजिस्टर में इसको स्टोर करते तो ये सारे टास्क हम यहाँ पे आसानी से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके बाद है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्यों होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जो भी मैंने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको हम ओपन कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसको ओपन करने के लिए हम इस आइकन पे जो आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा, इस तरीके का आइकन दिखेगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके प्रोग्राम्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं। हम उस पर क्लिक करेंगे तो कैसे ओपन होगा, वो इस तरीके का दिखेगा, उसका व्यू ऐसा होगा। ये क्या कहता है, कहलाता है अपना ब्लैंक पेज है, ये यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है। यहीं पे हम अपना टास्क करेंगे, जो फर्स्ट पेज जो ओपन होता है बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट वन। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन, और ये ब्लैंक पेज है, ये हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टास्क करेंगे, हमको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो वो यहाँ पे रेडी करेंगे, हमको कभी रिज्यूमे बनाना है तो हम यहाँ पे बनाएंगे। इस पे जो भी हम टास्क करेंगे वो आगे वाली आने वाली क्लासेस में मैं आपको टास्क बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं टेक्स्ट में तो वो कैसे करेंगे, इसको मैं आपको आगे टास्क के फॉर्म में सारी चीजें जो है यहाँ पे जो भी कमांड्स यूज हो रही है होम में वो सारी समझाऊंगी। इंसर्ट में जो कमांड यूज होंगी, पेज लेआउट में, रेफरेंस में, मेलिंग में, रिव्यू में, व्यू में, तो इसमें जो भी कमांड्स हैं वो सारी मैं आपको जो है टास्क का एक टास्क लेके आसानी से समझाऊंगी ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में, मतलब जो अपना वर्ड अपन ओपन कर रहे हैं तो इसमें हमको जो जो चीजें दिख रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे फर्स्टली जो होता है टाइटल बार, सबसे ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार, ये दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिखता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिबन क्या होता है। ये जो रेड है, रेड कलर से जो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, रिबन। यहाँ पे सारे जो है आपको मेन्यू दिए गए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनको हम टैब भी बोलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इनके अंदर ये हमको सारी कमांड्स दी गई हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये क्या कहलाता है, हमारा टाइटल बार, ये देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है, टाइटल बार। यहाँ पे हमारा जो पेज है
या हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो दिखता है। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, ये यहाँ पे क्विक एक्सेस क्यों बोल रहे, जब हमको क्विकली कुछ करना है, टास्क परफॉर्म करना है, तो वो हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सेव करने के लिए बटन दिया है, अंडू रिडू इन सब के लिए दिया हुआ है ये, तो ये क्या कहलाया हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये है हमारा रिबिन, और इसको हम बोलते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा होता है वर्टिकल और स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल तो अभी अपन को नहीं दिख रहा है क्योंकि अपना ये पेज का साइज अभी इतना ज्यादा नहीं, जब हम इसे यहाँ से बढ़ाते हैं पेज के साइज को, तो जब ये पेज का साइज बढ़ जाता है तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखने लगता है। अभी वर्टिकुलर स्क्रॉल बार दिख रहा है हमको, यहाँ से हम पेजेस को जो है स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा पेज है तो ये हमको पूरा दिखता नहीं है, तो हम इसको स्क्रॉल करके इस पूरे पेज का व्यू देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो प्लस का साइन है, यहाँ से हम अपने पेज का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से पेज का साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेज, हम कहाँ पे हैं, फर्स्ट पेज पर हैं, हमने अभी कोई वर्ड नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो वर्ड। ये क्या कहलाता है हमारा, स्टेटस बार। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमारे पेज का स्टेटस दिख रहा है कि हम कौन से पेज पे हैं, पेज नंबर 1 पे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, जीरो। यहाँ पे हमको हमारे पेज का स्टेटस दिखता है। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, नेक्स्ट क्लास में मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगी, हम एक एक कमांड को प्रैक्टिकल करके समझेंगे। आप इस क्लास को समझ चुके होंगे, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें जो हैं प्रैक्टिकली समझेंगे।